और हिमाचल में सियासी कलह के बीच कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी की ओर से शिमला गए पर्यवेक्षक सबकी राय लेंगे, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी कठोर फैसला लेने में, निर्णय लेने में पीछे नहीं हटने वाली है। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन तीन बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका ये भी यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। जयराम रमेश, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इन सब ने नजर बनाई हुई है और इसके अलावा दो पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा डी के शिव कुमार, ये वो चेहरे हैं जो कि वहां पे विधायकों से वन टू वन बातचीत करेंगे और कांग्रेस पार्टी में पहली दफा हो नहीं रहा है। मैं सीधे अपने सहयोगी अमन का रुख करती हूँ। अमन, जयराम रमेश ने दिल्ली से ये कहा कि अगर कोई कठोर फैसला लेना होगा तो वो भी लेने से हम चूकेंगे नहीं, ये क्या संकेत मिल रहा है कि क्या सुखू को वाकई बदलना ही सरकार को बचाने का सबसे अचूक उपाय हो सकता है? देखिए, डैमेज कंट्रोल की क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिश है कांग्रेस, क्योंकि इसकी कोशिश में है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए और ये जो आज की स्थिति है उसमें भी यही कोशिश है, कल भी यही कोशिश थी। और छह विधायक हैं कांग्रेस के जो कल बागी हुए थे, तीन इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने जाके पंचकुला में मुलाकात की और बीजेपी के साथ संपर्क में है और जिनकी प्रेशर टैक्टिक्स कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ रही है और उसके अंदर ये विचार हाईकमान तक करना पड़ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री को बदला जाए, सुक्खू को बदला जाए, किसको विकल्प चुना जाए ताकि भाजपा की सरकार बनने से और कांग्रेस की सरकार टूटने से और डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं किया जा सके, बचाव हो सके। तो ऐसे में दोनों तरफ पर डिस्कशंस हैं कि कितने विधायक हैं। जब आज 2 बजे क्योंकि सदन शुरू होने के लिए कहा गया था, 2 बजे तक स्थगित था, तो अब जब सदन शुरू में होने के बाद जब वोटिंग होगी तो जो डिविजनल वोटिंग है तो उसमें पता लगेगा कि किसने क्रॉस वोट किया और किसने कांग्रेस के बजट के ऊपर वोट किया है, कौन से कांग्रेस के वो विधायक हैं, तो उसमें काफी कुछ जो तस्वीर है वो अच्छा, साफ होगी। और अगर खबर ये मिल रही है कि एक बैठक होने वाली है जो पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए हैं और जो आला कमान के संपर्क में है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को अपडेट करते हैं हम। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर आज ही फैसला संभव है, विधानसभा में चल रही है सुनवाई इस वक्त। सबसे बड़ी खबर हम आप दर्शकों को बता रहे हैं, ये 6 वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। स्पीकर साहब को ये निवेदन किया है कि इन मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ शो का नोटिस दिया गया है, जो पिटीशन फाइल हुई है और जो उसके साथ एनेक्सर्स हैं वो हमको सप्लाई नहीं किए गए, जबकि जो एंटी डिफेक्शन रूल्स हैं हिमाचल विधानसभा के उसमें 5-6 कंडीशन हैं जिनको कंप्लाई करके नोटिस भेजना होता है और नोटिस के बाद भी रूल 7 के मुताबिक 7 दिन का समय दिया जाता है उन एमएलएज को जिनके खिलाफ नोटिस जाता है रिप्लाई फाइल करने का। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि हमको 7 दिन का मिनिमम टाइम जो रूल में प्रेस्क्राइब है वो दिया जाए ताकि इसका रिप्लाई हम फाइल कर सके। दूसरी साइड का कहना है कि कोई देने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है, तो स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा 2 बजे विधानसभा का भी सेशन है तो 4 बजे वो दोबारा उसकी सुनवाई करेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार कम से कम 7 दिन का टाइम दें ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सकें। तो जो संवैधानिक पहलू है उसके लिहाज से क्या हो सकता है वो आप बाकी विधायकों के वकील के जरिए सुन रहे थे। मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण का रुख करूंगी। अरुण, ऐसी खबरें मिल रही थी कि 2 पर्यवेक्षक जो दिल्ली से भेजे गए हैं उनके साथ विधायकों की बैठक हो सकती है, इस बैठक के बारे में कोई जानकारी या 1-टू-1 इनसे बातचीत होनी है?
देखिए मुश्किल ये है कांग्रेस के साथ कि जो 6 बागी विधायक हैं उनसे अभी तक उनका संपर्क इस तरह से नहीं हो पाया कि उनके साथ बैठक के लिए तैयार हो। अभी अभी जब आप बात कर रही थी अमन से उसी वक्त यहाँ पर जयराम ठाकुर, जरा दिखाइए एक बार पंकज तोमर, ये जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा है इसी प्रेमाइसिस के अंदर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विधानसभा पुस्तकालय है और यहाँ पर ऊपर जो उनका दफ्तर है जयराम ठाकुर का, वहाँ पर 6 जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो भी उनसे मिलने गए थे और 3 निर्दलीय वो भी उनसे मिलने गए थे और सब एक ही साथ गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से गए। तो अभी भी वो जो विधायक हैं वो एक तरह से बीजेपी के ही साथ हैं, बीजेपी के ही पाले में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं दिख रहे हैं वो। ये एक बड़ी मुश्किल की बात है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो आ रहे हैं, जो पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व है वो उनसे संपर्क कर रहा है लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहे हैं। तो ये एक दो मोर्चे पे कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, बागी विधायकों के मोर्चे पे भी और एक जो विक्रमादित्य ने एक अलग एंगल निकाला है वहां भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी क्या कहती है? प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश की सियासत को लेकर एक्स पोस्ट किया है, लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है, हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी धन बल एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह बीजेपी सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है जो बीजेपी प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई और प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है जिसके कई मायने हैं। पहली बात तो यह है जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, राज्यसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के पास उसके बावजूद हार गया। एक साल के कार्यकाल में यह परिस्थिति आ गई और अब हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चला हुआ है। बजट सत्र के दौरान जो कटमोशन विधानसभा के अंदर चर्चा हो रहे हैं उस पर वोटिंग होती है और वॉइस वोट के अतिरिक्त हम जो है उसमें डिविजन ऑफ वोट जो है वो मांग रहे हैं, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी, सस्पेंड कर दी हाउस ही सस्पेंड, मतलब एकदम जो है वो हाउस जो है एडजर्न कर दिया। और हाउस एडजर्न करने के बाद आज हमको ये आशंका लग रही है कि जिस प्रकार से उनका व्यवहार है, जिस तरह से उनने मार्शल के माध्यम से विधायकों को रोका, मार्शल ने विधायकों के ऊपर जो है जो जिस मिसबिहेव किया, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो और बजट पारित करने के लिए कांग्रेस को थोड़ा मदद